बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पास्ता राइस, जिसके लिए चंद चीज़ें चाहिए। 2 कप पास्ता उबाल लें और 1/2 किलो के करीब चावल हैं, इसको उबाल के रख लें। चिकन भी तकरीबन 1/2 किलो है, इसको बारीक बोनलेस जो है इसको ऐसे स्ट्रिप्स में काट लें। और सब्जी है शिमला मिर्च है, इसको ऐसे बारीक बारीक लंबा लंबा काट लें। गाजर है, इसको भी ऐसा काट लें। कॉर्न है, ये आपकी मर्ज़ी, आप कैन वाले लेना चाहें तो वो ले लें। ये थोड़े से मटर है, नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च, कुकिंग ऑयल और लहसुन, सोया सॉस, केचप और ये थोड़ा सा हॉट सॉस है, ये जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 से 5 चम्मच जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक जाएगा। साथ ही इसमें ये जो बॉनलेस किया हुआ चिकन इसमें कटा हुआ ये जाएगा। तो गार्लिक से बहुत अच्छा सा फ्राई कर लें। ये चिकन फ्राई हो गया, थोड़ा सा इसको रेड कर लेंगे। चिकन को पकाने का काम है, बाकी तो सारा मिक्सिंग का है। अगर आपने चिकन पहले काटा हो, सब्जियां काटा हो, तो इसमें तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इन चावलों में। उसमें जाएंगी गाजरें, शिमला मिर्च, ये कुछ गाजर मेरे पास फ्रोजन पड़ी हुई थी मटर के साथ, तो वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। कुछ पहले लंबी काट ली और ये 1 कप मकई। सब्जियों को चिकन के साथ हल्का सा टॉस कर लिया, तो बाकी चीज़ें उसमें डाल दें। अब इसमें जाएगा पास्ता, चावल जो आपने बॉईल करके रखे हुए। चावल में हमने कोई नमक नहीं डाला हुआ, कोई कुकिंग ऑयल नहीं डाला हुआ। इसमें 2 से 3 चम्मच जाएगा सोया सॉस, तीन से चार चम्मच इसमें केचप जाएगा, दो से तीन चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगा। अब इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि हमने चावल में और पास्ते में कोई नमक, चिकन में भी कोई नमक नहीं था। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्च। करेंगे इसकी मिक्सिंग, दो चम्मच ले लें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें, ताकि वो नमक, काली मिर्च वगैरह सब मिक्स हो जाए, ये मसाला सब, चावल, पास्ता सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब
मिक्सिंग के बाद इसका नमक और मिर्च देख लें, अगर आपको फीका लगता है तो आप डाल लें और इसको 5 से 7 मिनट का इसको दम लगा दें। जितनी देर हमने चावल दम में लगाए हुए हैं उतनी देर चिकन बॉल विद सॉस बना लेते हैं। इसके लिए तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा और इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून जाएगा गार्लिक का, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा इसमें और 1/2 टीस्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्च। तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम के जाएंगे, 1 चम्मच सोया सॉस का जाएगा, 1 अंडा फेंट के इसमें जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। इसके ऐसे कोफ्तों की शक्ल नहीं देनी इसको, बस ऐसे रफ से बस बॉल बन जाए छोटे छोटे। रखे सारे मत डालिए और न चिपक जाएंगे, ऐसे करके सारे सॉफ्ट को फ्राई कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉस बनाने के लिए 4 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून काली मिर्च और ये 1 से 1.5 शिमला मिर्च है, आधा कप के करीब है कटी हुई और ये 1 कप चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है और 1 गिलास पानी। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पक गया, 4 टेबलस्पून के करीब था ये ऑयल, 2 से 3 चम्मच मैदा इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा अच्छा सा पका लेंगे। इसमें बबल्स बन गए हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च जाएगी इसमें, 1 कप इसमें यखनी जाएगा, अब इसमें पानी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये सॉस इसकी तकरीबन पकने पे आ गई, बबल्स आने शुरू हो गए। अब इसमें जो हमने बॉल्स फ्राई किए थे वो डालेंगे, ये 1 कप जो शिमला मिर्च की है,
ये लाल कुटी हुई मिर्च, ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं पसंद तो बेशक काली मिर्च वगैरह है इसमें। थोड़ी सी चीज मेल्ट हो जाए और सॉस तैयार है। स्टेज पे आके जरा नमक देखिए अगर इसका आपको फीका लगे। हमारा एक मुकम्मल मील तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मुकम्मल मील तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि पास्ता राइस विद चिकन बॉल वाइट सॉस के साथ। पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।